हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो मैं हूँ वर्षिका सिंह और आज मैं आई हूँ एक और वीडियो के साथ जो है सरोजनी नगर पे। और अगर आपने मेरी पहली सरोजनी नगर की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं एक आई लगा दूँगी यहाँ पे, या तो इधर होगा वो आप देख लीजिएगा और यू कैन गो वॉच इट। बट शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, क्योंकि बहुत सारा सामान है जो मुझे दिखाना है एंड आई हैव अ pile of clothes which is hard to lift over here, so let's get started। और मैं पहले बता दूँ आज की वीडियो में मैं आपको सारे कपड़े दिखाऊंगी जो मैं लेकर आई हूँ, और मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे पहन कर दिखाऊंगी, सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो सबसे पहली चीज़ सबसे ऊपर है ये बेसिक ऑलिव ग्रीन टैंक टॉप एंड इट इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रेचेबल, तो आराम से फिट आ सकता है एंड दिस वॉज ओनली फॉर ₹60। तो मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करती, कुछ कंप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, कहीं से फटा हुआ नहीं है, बिल्कुल नया है। आप सरोजनी नगर जाते हैं तो आपको देखना चाहिए कोई भी कपड़ा फटा हुआ ना हो, बिल्कुल नई कंडीशन हो, कुछ खराबी ना हो एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू बार्गेन। बट ये मैंने वहाँ से लिया था जो सर्कल्स में लगे रहते हैं, प्राइजेस और फिक्स्ड होते हैं उनके, वो बार्गेन नहीं करते हैं, और तो ये वहाँ से मैंने उठाया था। इसमें और बहुत कलर थे बट ये मैंने बेसिक ऑलिव ग्रीन उठाया था, हर चीज़ का मैच करेगा। सो दिस वॉज फॉर ₹60। मूविंग ऑन, आई हैव दिस cute baby pink t-shirt over here which says DKNY at this side and has a ribbon detailing जिस पे भी DKNY लिखा है इधर की साइड, एंड ये भी मेरे को बिल्कुल फिटिंग का आया है एंड दिस वॉज फॉर ₹90। ये 90 वाले पाइल लगे रहते हैं वहाँ पे, उस पर बोर्ड टंगा रहता है 90 का, तो ये वहाँ से मैंने उठाया था एंड दिस इज बाय DKNY स्पोर्ट। यहाँ पे इसका टैग भी है, आई होप यू कैन सी। So I got a great deal for such a brand. Moving on, I picked up a night suit which is satin. बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत कंफर्टेबल मटेरियल रहेगा। ये गर्मियाँ आ चुकी हैं, वी नीड समथिंग कंफर्टेबल, और ये है एजॉर्स ब्रांड से, जो कि मैंने वहाँ नहीं देखा था, मैंने घर आके देखा कि ये इतने बड़े ब्रांड से है। सो मुझे और खुशी हुई इसे ख़रीदने की। और इस पर लेपर्ड प्रिंट है, बहुत ही प्यारा, आई वुड कॉल इट अ कॉपर रोज़ और रोज़ गोल्ड कलर, एंड इसके साथ मैचिंग पजामाज भी हैं जिनके नीचे कुछ इस तरह की डिटेलिंग है। काफ़ी लंबे हैं, इन्हें थोड़ा सा ट्रिम कराना होगा। एंड मैं एक ब्लॉगर को फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम पे, उसका नाम है अंकिता राघव अरोरा, एंड उसने शी पोस्टेड द सेम नाइट सूट इन हर वीडियो, बट उसका ब्लू कलर का था। इसमें बहुत सारे कलर थे, ब्लू, वाइट, ग्रीन, येलो एक्सेट्रा, बट मैंने ये लिया था एंड शी परचेज द ब्लू कलर एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड वी हैव सच अ सेम चॉइस, बिकॉज एक और चीज़ हमारी मैच हुई जो मैं आपको दिखाऊंगी। ऑल्दो शी डिडंट मेंशन कि वो सरोजनी से है नहीं, बट आई हैव द सेम पीस एंड आई हैव स्क्रीनशॉट्स, आई विल ट्राई टू पुट देम इन द क्लिप। इससे आगे मैं अटैच कर दूंगी या फ़ोटो यहीं लगा दूंगी तो आप देख सकते हैं। सो शॉपकीपर ने इसका शायद 450 या 500 से स्टार्ट करा था, बट मैं उतने तो नहीं देने वाली थी, तो ऑब्वियसली मैंने बार्गेन का ट्राई करा। बट एज वो एक शॉप थी तो शॉपकीपर ज़्यादा नहीं करते हैं, आप बाहर वालों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट शॉपकीपर्स बहुत ढीठ होता है, वो बार्गेन नहीं करते हैं ईजिली। तो मैंने इसे आखिर में 350 में ख़रीदा है, जो बहुत अच्छा है इस मटीरियल के लिए और पूरे सेट के लिए जो कि एजॉर्स का है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। नेक्स्ट आई हैव ब्लू एंड वाइट स्ट्राइप्ड शर्ट जो कुछ इस तरह की दिखती है, आपको बड़ा साइज लग रहा होगा एंड येस आई थिंक इट इज़ एक्सेल एंड इट इज़ बाय द ब्रांड आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, इट जस्ट सेज कॉटन ऑन बॉडी, तो पता नहीं है कोई ब्रांड है नहीं है, बट ये ₹100 की ली थी मैंने आई गेस, जो वो हैंगर्स लगे होते हैं गोल वाले, एंड इसकी डिटेल्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी। आई मोस्टली सी कि ऐसे बाहर फॉरेन के ब्लॉगर्स पहनते हैं ऐसे सिंपल बेसिक कपड़े जिन पे ऐसे स्ट्राइप्स हो। इसके बटन्स बहुत अच्छे थे, पॉकेट है यहाँ पे, और ₹100 में ये शर्ट बहुत अच्छी थी जिस पे कुछ निशान नहीं है, कुछ होल नहीं है, जस्ट अ परफेक्ट कंडीशन। सो मूविंग ऑन, हम आते हैं जीन्स पे। सो दिस इज़ अ ब्लू जीन्स जो रिब्ड है, उसकी पॉकेट के पास उसकी रिप शुरू हो जाती है, नीस पे थोड़ी और है, दोनों साइड है, एंड क्वालिटी अच्छी है। डेनिम बहुत सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल है, आप देख रहे हो कितना स्ट्रेच हो रहा है ये। एंड एंकल लेंथ है, आई डोंट नो द ब्रांड, सेड्स लेगिंग एंड वाइल्ड ब्लू। लेट मी शो यू द टैग, इफ़ यू नो अबाउट दिस ब्रांड लेट मी नो। बट ये थी 200 रुपये की जीन्स, और 200 में जीन्स मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरोजनी में मैं पहले भी गई हूँ तो वो सिंपल वाले डेनिम के पजामे से देते थे जिन पर नाड़ा होता था, विच आई डोंट लाइक, वो उतने का दे रहे थे। बट मुझे ये जीन्स मिली एक छोटे से स्टॉल पर, उन्होंने स्टूल पर जीन्स लगा रखी थी, मुझे वहाँ मिली और मुझसे ये छोड़ी नहीं गई। और मैंने एक और जीन्स लिया जो मैं आपको साथ के साथ दिखाना पसंद करूँगी, जो कि है ये वाली। It is a charcoal black, I would say, not a jet black but a charcoal grey or charcoal black, and it appears it is just a simple jeans which is high waisted and it's extremely comfortable। एंड मुझे इतनी परफेक्ट फिट आई है ये जीन्स, मैंने सरोजनी से पहले कभी जीन्स नहीं ली है, मैंने रिस्क लिया था और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी परफेक्ट फिटिंग जीन्स मिल चुकी है अपने लिए। एंड बिल्कुल परफेक्ट हाई वेस्टेड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, कंफर्टेबल है, एंड इट्स एस डी जीन्स, एंड ये भी 200 में, तो मैं कुछ ज़्यादा कंप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, पर कंप्लेन करने का कुछ है नहीं क्योंकि जीन्स बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग है और उसके बारे में सब कुछ अच्छा है। तो ये दोनों जीन्स 200-200 में थी, तो 400 फॉर टोटल फ्रॉम द सेम स्टॉल। मूविंग ऑन, मैंने एक आई वुड से अ ट्रैक पैंट, ग्रीन ट्रैक पैंट उठाई है, जिस कुछ ऐसी दिखती है, यहाँ पे आगे नाइकी का लोगो है एंड सेज नाइकी इन द इनसाइड एज वेल, यहाँ पे नाइकी के टैग्स हैं एंड साइड में स्ट्राइप्स है, और ये थोड़ी सी क्रॉप्ड है नीचे से, तो एंकल से थोड़ी ऊपर आती है, और ये शायद आई रिमेंबर 150 रुपीज़ की थी। सो या डेफिनेटली थम्स अप 100 या 150 की थी, आई मोस्ट प्रोबेबली रिमेंबर इट वॉज फॉर 150 रुपीज़। सो डेफिनेटली अ थम्स अप, क्योंकि गर्मियों में ऐसी कम्फी चीज़ें बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो मैं बहुत यूज़ करने वाली हूँ इसे। मूविंग ऑन, आई हैव अ ड्रेस जो बिल्कुल गोवा टाइप है, तो मुझे लगता है इसके मुझे गोवा जाना पड़ेगा। बट या अपार्ट फ्रॉम जोक्स, ये कुछ ऐसी ड्रेस है, ये आगे से ऊंची है पीछे से लंबी है, आप देख सकते हैं, मैं और ऊंचा नहीं कर सकती हूँ। नेक इसका प्लेन गोल है, बट इसके साइड में शोल्डर्स पे ये काफ़ी हैवी स्टड्स लगे हुए हैं, एक स्टड निकल चुका है इधर से क्योंकि मैंने धो दी थी और मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो टूट गया, सो दैट्स okay, I can repair it, I have the studs, so yeah, but it is, the studs are very good quality, these are heavy and ये बहुत अच्छी ड्रेस है। बस साइड से इसका स्टाइल थोड़ा ऐसा है कि इसकी स्लीव्स बहुत लंबी होती है और यहाँ तक आती हैं, सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इट गो हैड, यू कैन बाय इट, एंड दिस वॉज फॉर ₹60। मैंने ड्रेस ली है 60 रुपीज़ में, जो हैंगर पे टंगी हो रहती है गोल वाले, और इसका मटेरियल इतना ज़्यादा सॉफ्ट है जो गर्मियों में बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा एंड एक्सट्रीमली स्ट्रेचेबल, अगेन अ वेरी गुड बाय। सो नेक्स्ट, गर्मियाँ आ चुकी है, आई नीड माई शॉर्ट्स, सो मुझे प्यारी सी क्यूट सी शॉर्ट्स मिली विच हैव ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स विद अ पिंक रिबन, एंड ये डिज्नी से हैं, एंड लेट मी शो यू द टैग, इट इज़ फ्रॉम डिज्नी। सो ये इसमें कुछ है नहीं ऐसा खास दिखाने को, सिंपल सी शॉर्ट्स हैं गर्मियों के लिए, एंड ये थी 90 रुपीज़ की। सो अगर आपको शॉर्ट्स चाहिए गो टू सरोजनी नगर। Moving on, I got another denim piece which is a denim jacket, so कुछ ऐसी है, ये थोड़ा light denim है और कलर भी इसका light है, sleeves कुछ इस तरह के डिज़ाइन की हैं आप देख सकते हैं, और बटन सारे ठीक कंडीशन में हैं, जैकेट पूरी ठीक कंडीशन में है। It is from the brand Miss Edit, I don't know, and ये जैकेट थी सिर्फ 150 में, डेनिम जैकेट 150 में, इस क्वालिटी में, इस स्टाइल में, डेफिनेटली थम्स अप। सो या स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो, जिसमें मैं सारे कपड़े स्टाइल करके पहन के दिखाने वाली हूँ, सो यू कैन नो कि पहन के कितनी अच्छी लगी है। वन मोर लुक, आगे से ऐसी है एंड पीछे से प्लेन है। So moving on, I've got a white shirt. This is a fancy top, I would say. इसके यहाँ पे एक logo बना हुआ है which reminds me of Hogwarts. I don't know why. It reminds me of a royal university. इसके buttons बहुत ज़्यादा fancy हैं जो ऐसे golden color के हैं. इसका material बहुत अच्छा है, but I would call it satin. I think I would call it that. And yeah, I love it. And ये शायद 200 या 250 की थी. एंड इस प्राइस में इस क्वालिटी का टॉप बहुत अच्छा है, तो मैं कुछ कंप्लेन नहीं करूँगी. मूविंग ऑन, एक और क्रॉप्ड वाइट टी शर्ट है मेरे पास. इसके दोनों साइड बैजेस लगे हैं. इस पर लिखा है US आर्मी एंड इट्स फ्रॉम द ब्रांड फ्रेड डेविड. क्रॉप्ड है, आगे आप यहाँ पे से नॉट बांध सकते हैं. एंड शॉपकीपर ने इसे बहुत महंगे से स्टार्ट करा था. आई थिंक 500 और 600 से स्टार्ट करा था. आई वाज लाइक नो, आई वोंट बाय इट फॉर सच अ प्राइस. इट जस्ट अ क्रॉप शर्ट ही तो है, और कितना महंगा बोलोगे इसका. तो आई एंड अप बाइंग फॉर इट ₹150. हाँ, फिर मैंने ये 150 में ख़रीदी, जो वो 600-700 की बोल रहा था इस शर्ट को, बट मैं नहीं ख़रीदने वाली थी उतने में. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये इतने में ख़रीद ली. मूविंग ऑन, एक और फ्लोई टॉप बोल सकते हैं इसे, और ये उल्टा है. मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ. स्ट्राइप टॉप है, और ये आई थिंक मैंने 80 या 100 रुपीज़ में उठाया था उस गोल वाले हैंगर्स में से ही. और ये कुछ ऐसा दिखता है. ये थोड़ा सा लंबा है. आप इसे एज अ कुर्ती भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ ड्रेस यूज़ कर सकते हैं. बस आपको थोड़ा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है. आगे इसका ये क्रॉस रिबन वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था मुझे. एंड आई होप आप देख सकते हैं. लेट मी शो यू बाय टाइटनिंग द रिबन. ये यहाँ पे ये इस तरह का डिज़ाइन है, एंड इस पर टैग है लिव फॉर रूथ का. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. दोनों साइड पॉकेट्स हैं. मटेरियल अच्छा है. यहाँ पे बटन्स हैं एंड में. आप इसे फोल्ड करके यहाँ पे भी बटन अप कर सकते हैं. और इस प्राइस में तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा गर्मियों के लिए. एंड लेट्स टॉक अबाउट द स्टार परचेज, एंड जो कि एक डेनिम जैकेट है जो बहुत ही सॉलिड है, बहुत हैवी है. मोटा वाला डेनिम अच्छा खासा, जो बहुत महंगा आता है. और शॉपकीपर ने मुझे ये बोलना स्टार्ट करा था ₹950 का, जो कि ऑब्वियसली मैं पे नहीं करने वाली थी. तो मैंने बार्गेन करा, और ये जैकेट फिर मैंने ख़रीदी है 400 में. 400 में. और आप अगर आपको लग रहा हो कि तब भी महंगी है, तो नहीं, आई डोंट थिंक सो ये उतने में महंगी, क्योंकि डेनिम बहुत हैवी है. मटेरियल बहुत अच्छा है, बिल्कुल नई कंडीशन है, और कोई रफ़ एजेस नहीं है, कोई लूज़ थ्रेड्स नहीं है, कहीं कुछ निशान नहीं है. डिज़ाइन बहुत अच्छा है. बैक प्लेन है, जिसका मैं सोचूंगी कुछ DIY करने के लिए. तो स्टे ट्यून फॉर दैट. यू गॉट अ हिंट. तो या, आई लव दिस. सो ऑलमोस्ट हमारा सामान ख़त्म हो चुका है, बट एसेसरीज़ के बिना सरोजनी नगर का हॉल कैसे पूरा होगा. तो लेट्स गो टू द एसेसरी सेक्शन. सो द फर्स्ट पेयर ऑफ ईयररिंग्स आपने मेरी पहले वाली वीडियो में शायद देख ली होंगी, जो मैंने जिमी वॉक की वीडियो करी थी. उसमें मैंने ये ईयररिंग्स पहने थे, और मुझे कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने कि कहाँ से हैं ईयररिंग्स, एंड दीज आर गोल्स एंड ऑल, दीज आर वेरी प्रिटी ईयररिंग्स. सो ये हैं सरोजनी के वो ईयररिंग्स जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं. इसमें नीचे झुमका है, और ऊपर इतनी सुंदर कारीगरी है विद अ वेरी प्रिटी टील एंड ब्लू कलर. एंड ये सिर्फ 100 रुपीज़ में. तो 100 रुपीज़ में मुझे बहुत अच्छे लगे हैं ये ईयररिंग्स. सो मूविंग ऑन, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि जो मैंने ब्लॉगर के बारे में आपको बताया कि शी इज़ अ रियली गुड ब्लॉगर. उसने सेम नाइट सूट किया है. आई एम बिन फॉलोइंग हर, बहुत ही लंबे टाइम से मैं फॉलो कर रही हूँ. एंड मैंने बोला था कि एक और चीज़ हमारी सेम हुई है, और वो सेम चीज़ है ये ईयररिंग्स. एंड आई वेंट हर प्रोफाइल एंड आई वाज लाइक व्हाट. I bought it the same day, and she the day I bought it, and she posted on her Instagram. Seriously, जिस दिन मैं सरोजनी से आई हूँ और मैं इंस्टा चला रही थी, और मैंने देखा कि उस she just posted it a photo. I was like, oh my god. सो या ये भी 100 रुपये के हैं, काफ़ी लंबे हैं, ये मेरे शोल्डर्स को टच करते हैं, बट इतने सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैवी नहीं है कि आप इन्हें पहन नहीं सकते हैं, बहुत ईजिली पहन सकते हैं। एंड मैं आई विल ट्राई कि मैं उन ब्लॉगर की फ़ोटो यहाँ लगा दूँ या आगे क्लिप ऐड कर दूँ, सो यू कैन सी हर। एंड although she is very pretty and yeah, so इस प्यारे से मास्टरपीस के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। एंड प्लीज़ स्टे ट्यून, क्योंकि मैं जल्दी से एक वीडियो बनाऊँगी, इसमें सब मैं स्टाइल करके दिखाऊँ, पहन कर दिखा दूँ, जिससे आपको फिटिंग का आइडिया हो जाए। तो या आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप अगर आप और सरोजनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा इंस्टाग्राम है thatspecxygirl, तो आप मुझे वहाँ बता सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी फीड देख सकते हैं, एंड मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी वीडियो के साथ। तो टिल देन, बाय बाय।